नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्जिम टोकेडिया में, जिसमें हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस के बारे में। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सपोर्ट की एक्सपोर्ट साइकिल। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियो की अपडेट हो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कम्युनिकेशन। इनिशियल स्टेज पे आप अपने बायर के साथ बातचीत करोगे, उसका क्वालिटी कैसा है उसको चाहिए, पैकिंग कैसा चाहिए, आप बातचीत करोगे। और उसके बाद जब भी फाइनल आता है कि हाँ मुझे आपसे ये गुड्स चाहिए, तो उसमें आप ईमेल से वो सारे के सारे डिटेल्स मंगवाइएगा। इनिशियल स्टेज पे आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप बातचीत कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जब भी फाइनल होता है वो आप ईमेल से कन्वर्जेशन कीजिएगा। उसके बाद आता है इकोटम्स और पेमेंट टर्म्स। मैंने इकोटम्स में कैसे कैसे वर्क होता है उसके मैंने ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। और पेमेंट टर्म्स में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि पेमेंट टर्म्स कैसे वर्कआउट होता है और कितने टाइप्स की पेमेंट टर्म्स है, सारी के सारे डिटेल्स में पेमेंट टर्म्स में वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आता है सेल्स कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस लेटर ऑफ इंटेंट। आप जो भी बिजनेस के उसमें बोल सकते हो उसको, ओके। उस टाइम पे आपको कुछ एडवांस अमाउंट लेनी है, ओके। यहाँ पे मैंने दिया है येलो का मैंने एरो दिया है। यहाँ पे मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे पेमेंट लेना है एडवांस में, जितना भी आप ले सकते हो, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है और 50% भी हो सकता है, ओके। उसके बाद आता है सीएचए का वैल्यू। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सीएचए क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि उसके अकॉर्डिंग आप अपने पैकिंग है गुड्स की पैकिंग और सारी के सारी फॉर्मेलिटीज आप कर सकते हो। और आपको ये भी पता चल सकता है कि आपका वेसल कब है, आपका कंटेनर कहाँ पे आपको स्टफिंग करना है, फैक्ट्री स्टफिंग करना है या फिर सीएफएस में आपको स्टफिंग करना है, सारे के सारे डिटेल्स आपको पता चल सकते हैं। उसके बाद आता है गुड्स का प्रिपेरेशन। आपके जो भी गुड्स है उसका आपको बनवाना है, उसकी पैकिंग करवानी है। गुड्स पैकिंग हो जाता है उसके बाद आपको सेकंड टाइम पे अमाउंट या फिर एडवांस में आप सेकंड टाइम अमाउंट मांग सकते हो। जो भी यहाँ पे ये पॉइंट है पेमेंट का, एडवांस जितना भी आप ले रहे हो उतना, और यहाँ पे भी है पेमेंट, वो सारे के सारे डिटेल्स आपको इनवॉइस में मेंशन करनी पड़ेगी कि मैं फर्स्ट टाइम इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, सेकंड टाइम इतना देना पड़ेगा, और रिमेनिंग जो भी देना है वो आप मैं आगे बताऊंगा कि रिमेनिंग आपको कैसे पेमेंट लेना है। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट क्लियरेंस का। उसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे आपका सीएचए है वो सारी के सारी फॉर्मेलिटीज एक्सपोर्ट क्लियरेंस की वो कर लेता है। उसके बाद आता है क्लियरेंस आपका हो जाता है तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, शिपिंग बिल हो गया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, इनवॉइस हो गया, पैकिंग लिस्ट हो गया, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है। वो आपको अपनी बैंक को देना है, अपनी बैंक उसकी बैंक को ट्रांसफर करेगी, वही है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में बिजनेस का। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में जो भी पेमेंट टर्म्स है और जो भी आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने डिसाइड की है, वो पेमेंट टर्म वाया बैंक टू बैंक ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसफर होता है। इन केस अगर आपने डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए है तो अगर उसके बाद आपके साथ कुछ भी फ्रॉड होता है या फिर आपके कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें ना ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ना ही आपने एसीजी से लिया है तो भी वो रिस्पॉन्स आपको करेगी। तो ये मेन टॉपिक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप वाया बैंक टू बैंक सेंड कीजिए और यहाँ पे आपको पेमेंट आ जाएगा। फर्स्ट टाइम जितना मान के चलो आपने 30% लिया, यहाँ पे 20% लिया, जो 50% आपका रिमेनिंग है आपको जब भी आपने यहाँ पेमेंट रहता है वो आपको बैंक टू बैंक आप ट्रांसफर करते हो तो डॉक्यूमेंट अगेन एक्सेप्टेंस में आपको पेमेंट यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आता है अपना शिपमेंट को ट्रैक कीजिए। जब तक
पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज यानी कि पीओडी यहाँ पे है, उसका फुल फॉर्म है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि उसकी आपके बाहर की कंट्री में जब तक ना पहुंचे और उसके पोर्ट तक ना पहुंचे उस टाइम तक आपको अपना शिपमेंट ट्रैक करना है एक दो दिन में, एक दो दिन के लिए। उसके बाद आता है टोकिंग विथ टिल इंपोर्ट क्लियरेंस, यानी कि आपका जो बायर है कंसाइन है उसके साथ इन बिटवीन आप बात कीजिए पोर्ट टू पोर्ट का जो जितना भी ट्रांजिट टाइम है उसमें। उसमें क्या होता है कि आप बायर से साथ कम्युनिकेशन करते हो तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और इन बिटवीन आपको एक अच्छा सा बॉन्डिंग भी हो जाता है, रिलेशन भी हो जाता है, तो आपको सेकंड टाइम ऑर्डर आने का चांसेस आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। अगर आपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ पे खत्म हो गई, अगर आप उसके बाद इसको कुछ बात भी नहीं करोगे तो आपको सेकंड टाइम ऑर्डर देने में वही हिचकिचाएगा। तो यहाँ पे आप सारी के सारी ये छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद आएगा सबमिट डॉक्यूमेंट एज पर RBI एंड फाइल EBRC योर बैंक, वो सारे के सारी फॉर्मेलिटीज ही आप अपने जो भी अपने बैंक अकाउंट है आप उसके फॉरेक्स मैनेजर को आप उस पूछोगे तो वो सारे का उसमें गाइड आपको कर देगा। यहाँ पे फाइनली आपकी एक्सपोर्ट की साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जा होती है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी एक्सपोर्ट रिपोर्ट बिजनेस के वीडियोज मैं अपलोड करूँ वो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे और वो आप अच्छे सा लर्न भी कर सकते हो यहाँ पे फ्री में। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।